अस्सलाम वालेकुम, यमी कुकिंग रेसिपीज में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दही चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1.5 पाव चिकन ले लिया है। यहाँ पे 2 अदद प्याज, इनको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। टमाटर है हमारे पास 3 है, तो इनको भी इस तरीके से चॉप कर लिया। हाफ हमने यहाँ पर लेमन ले लिया है। 4 अदद हमने बड़ी वाली हरी मिर्च ले लिया, ग्रीन चिली ले लिए 3 से 4 अदद। यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने दही ली है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसी धनिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। नमक लेंगे मज़बूत ज़रूरत। सबसे पहले हम 1/2 कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर, हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे 5 मिनट तक जो भून लिया था, इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इनको। इसके अंदर जो है हम प्याज ऐड कर देंगे, इसी के साथ इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट सी जो है हो चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। ये देखिए हमने इसे 5 मिनट तक जो पका लिया था, टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट से जो है हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे और पिसी धनिया ऐड कर देंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे 10 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो भून लिया था, अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसे 10 मिनट तक जो पका लिया था, अब इसके अंदर हम जीरा और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक भी ऐड कर देंगे इसके साथ हसबे ज़रूरत और मिक्स कर लेंगे। कि हमने इसे 10 मिनट तक जो पका लिया था, अब इसके अंदर हम नींबू ऐड कर देंगे, इसका जो रस है, और हरी मिर्चा भी ऐड कर देंगे इसी के साथ हम, और इन्हें जो निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से दही चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।